बलरामपुर के ब्लॉक हरैया सतघरवा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मूर्तिहा धनघटा में आवारा पशुओं से परेशान ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत की। घटा के ग्रामीण रफीक अहमद, हनीफ खान, राजित राम ननकू, शमसुद्दीन, शहबादुद्दीन, शहाबुद्दीन, रमजान राम बाबू, सोनकर, विश्वनाथ, ईदू, बबलू आदि कई ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में तैनात ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान पर आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान प्रतिनिधि एवं रोजगार सेवक ने गांव के कई खाली जमीन पर गौशाला ना बनवाकर फर्जी तरीके से रिपोर्ट लगा दी है कि गांव में गौशाला के लिए जगह नहीं है तथा गाँव के आसपास देखने वाले आवारा पशुओं को पास के गौशाला में छोड़ दिया गया है। जबकि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि आवारा पशु गाँव में किस तरह से आतंक मचा रहे हैं। आइए सुनते हैं कि आवारा पशुओं को लेकर मूर्तिहा धनघटा के ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। समस्या ये है हम लोग को, जो हमारे गांव में बहेला, आना पशु, चिट्टा पशु जो है वो बहुत परेशानी करते हैं, परेशान करते हैं, और हमारे गांव में 800 बीघा खेत नष्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग जो है कंप्लेन किए थे क्षेत्र के, जिसमें बताया जा रहा है कि तुम्हारे गांव ग्राम समाज के पक्षी जो है वो लिख के दिए हैं कि जितना छुट्टा आवारा पशु थे वो उनको पकड़वा के कैली ग्राम समाज में और मथुरा ग्राम समाज में बंद करा दिया गया है। ये जो है प्रस्ताव में हमको जिला अधिकारी महोदय से जानकारी मिला है, 10-70 से कंप्लेन किया था, उस पर जानकारी हमको मिला है और ये सरासर झूठ है। फिर हम वीडियो बना के और मीडिया में दिए, मीडिया में चलवाया है, मीडिया बुला के जो है इस पर हम सबको कार्रवाई करें। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।